हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि भारत से दूसरे देश जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में जाने वाली ट्रेनें का रूट इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद भी इसमें डीजल लोकोमोटिव का ही यूज क्यों किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रूट इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद भी इंडिया से दूसरे देशों में जाने वाली ट्रेनों जैसे कि बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस में डीजल लोकोमोटिव का ही यूज क्यों किया जाता है, इसके कुछ रीजन हैं जिसे जानने से पहले आपको इन ट्रेनों के कुछ रूल और रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस दोनों इंटरनेशनल ट्रेन हैं जो कि इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ती हैं, जबकि समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस की, जो कि पुरानी दिल्ली से इंडिया का लास्ट बॉर्डर अटारी स्टेशन तक जाती है, जहाँ पर यात्रियों के वीजा और पासपोर्ट की चेकिंग होती है। फिर वहां से पाकिस्तान रेलवे की समझौता एक्सप्रेस यात्रियों को अटारी से लाहौर तक ले जाती है। दोस्तों, पुरानी दिल्ली से अंबाला कैट जालंधर तक पूरी रूट इलेक्ट्रिफाइड है, फिर भी इसे डीजल लोकोमोटिव से पुल किया जाता है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस का पुरानी दिल्ली से अटारी के बीच सिक्योरिटी रीजन के कारण कोई भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिससे कि लोकोमोटिव को चेंज किया जा सके। वहीं बात करें मैत्री एक्सप्रेस या बंधन एक्सप्रेस की, जिसके लिए इंडिया का लास्ट स्टेशन गेड़े है, जहां पर यात्रियों के वीजा और पासपोर्ट की चेकिंग होती है, वहां तक का रूट इलेक्ट्रिफाइड है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं दिया जाता। इसका रीजन यह है, इंडिया के बॉर्डर का जो लास्ट स्टेशन जैसे कि अटारी या गेड़े है, वह बहुत छोटा स्टेशन है, वहां केवल कस्टम या इमिग्रेशन चेकिंग की सुविधाएं अवेलेबल हैं। वहां पर लोकोमोटिव को चेंज करने की सुविधा, लोको पायलट के लिए रहने की सुविधा या लोको मेंटेनेंस जैसी कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे वहां पर डीजल से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव को चेंज किया जाए। इसके अलावा अटारी से आगे का रूट अनइलेक्ट्रिफाइड है, इसीलिए इन ट्रेनों में सोर्स से ही डीजल लोकोमोटिव दिया जाता है, ताकि बीच में ऐसी कोई समस्याएं ना हो। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।